गाइस वेलकम टू माय चैनल हेमंत द सोलो ट्रैवलर। सो आज मैं अपने बेंगलोर अपने किसी काम से आया था। सो राइट नाउ आई एम ट्रैवलिंग विद माय फ्रेंड्स, माय ऑफिस फ्रेंड्स, माय गुड फ्रेंड बेनिका, माय टीममेट कृति एंड ऑल दोस्त हु आर ट्रैवलिंग विद मी। सो राइट नाउ वी आर इन अ मैजेस्टिक बस स्टैंड राइट विच इज़ इन कर्नाटका मेन बस स्टैंड। सो राइट नाउ वी आर वेटिंग फॉर आर चिकमंगलूर बस। तो बिल्कुल हमारे पीछे खड़ी है बस। तो जैसे ही हम उसमें बैठने जा रहे हैं, सो मैं आपको इस पूरी वीडियो में ना आप चिकमंगलूर में कहाँ रुक सकते हैं, कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं और क्या आपका ट्रिप का खर्चा रहेगा वो सारा बताऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके सो चलो हमारी आज की जर्नी शुरू करते हैं हम। चलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अब फाइनली हम मॉर्निंग में सारे तैयार हो गए, हम जितने भी दोस्त हैं। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले हम यहाँ से एक टेंपल जा रहे हैं और सो वहाँ पे मत्था टेकेंगे और मैं वहाँ के आपको जस्ट दर्शन कराऊँगा वहाँ के। पर मैं आपको वीडियो के मतलब जब दर्शन करा दूँगा उसके बाद वापस आने के बाद बताऊँगा वहाँ के बारे में, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में। अभी फिलहाल हम सारे रेडी हो गए और अपना मंदिर जा रहे हो, तो चलो यार सीधा मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर आके नाश्ता करेंगे और फिर हम अपनी ट्रैकिंग के लिए चलते हैं। चलो तो गाइस ये है मंदिर का बाहर का ओवरव्यू जो कि मैं बता रहा था आपको। बाहर से देखोगे तो कितना वो है। तो अब मैं इस मंदिर में ना अंदर की तरफ जा रहा हूँ और देखते हैं अंदर की तरफ के नज़ारे। चलो मैं गेट से अंदर एंट्री करता हूँ ना, तो सबसे पहले जो अब फ्रंट पे है ये हैं और यहाँ वो जो सामने आप देख रहे हो वो मेन मंदिर का गेट है। सो चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सो चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ की, बहुत अच्छा मंदिर है, काफ़ी श्रद्धालु भी आए हैं। सो चलो यार और मंदिर के अब मैं फ़िलहाल कुछ बोलूँगा नहीं, आई एम गोइंग टू बी क्वाइट। आप मंदिर के दर्शन करो फिर मंदिर के बाद मिलते हैं, मैं आपको इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। फाइनली ये जो मंदिर के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो अब मैं मंदिर में आ गया। तो अब मैंने अभी आपको जैसे मंदिर के दर्शन कराए, तो यहाँ पे भगवान जी के मैंने हमने दर्शन कराए। तो यहाँ का जो हिस्ट्री है ना वो थोड़ी सी मतलब ये 12th century की है, इवन उससे भी पहले की है, क्योंकि कहा जाता है कि एक टाइम पे जब एक राक्षस था भस्मासुर, उसका भस्मासुर है, उनके बारे में आपने सुना होगा या कई बार आकर एक लाइफ होके भी सीरियल आता था महादेव, उसमें भी इस बारे में बताया गया था। तो उसको शिवजी जी से वरदान प्राप्त था कि अगर वो किसी को भी हाथ लगाता था किसी के सर पे तो वो भस्म हो जाता था। तो उसके अंदर एक दिन बहुत ज़्यादा अहंकार भर गया और उसने फाइनली सोचा कि मैं जिन्होंने उसे वरदान दिया है शिवजी जी उन्हीं को वो भस्म करने के लिए चला गया। तो एट वेरी टाइम राइट, तो उसके बाद तो शिवजी जी ने सोचा कि ये जो मैंने करा है तो मेरे को ही वो कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर इस मामले में विष्णु जी से मदद मांगी, तो विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार जो कि उनकी सबसे सुंदर अवतारों में से एक था, उन्होंने उसमें उसको मोहिनी अवतार में विष्णु जी ने भस्मासुर को आकर्षित करा और उसको अपने इशारों पर नचा के उनसे गलती से भस्मासुर से उसके खुद के सर पर हाथ रखवा दिया, जिससे भस्मासुर खुद भस्म हो गया। तो ये है यहाँ का इतिहास और ये एक वो प्लेस है, यही वो प्लेस है ना जहाँ पर ऐसा हुआ था। तो यही है यहाँ का इतिहास
तो अगर तो यहाँ जो मंदिर है वो मोहिनी जो विष्णु का अवतार है उनके ऊपर है, मंदिर में उन्हीं का अवतार हम देख पा रहे हैं। और यहाँ बहुत ही अच्छा मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ पे बहुत पीसफुल और एकदम सेरेनिटी में आप बैठ सकते हो, अपना पूरा दिन भी बिता सकते हो, इतना खूबसूरत है।